नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। कटिहार के महापौर शिवराज हत्या में आज बड़े नेताओं का तांता कटिहार में लगा रहा। पारस गुट के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस पासवान तथा चिराग पासवान के अलावा कांग्रेस पार्टी का एक शिष्टमंडल पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर परिवार के साथ होने की बात कही है। परिवार के निजी रिश्ता बताया और साथ ही चिराग पासवान तथा कांग्रेस के शिष्टमंडल ने नीतीश कुमार पर जमकर बरसे और पूरे हत्या का आरोप सरकार पर लगाया है। कटिहार से नीरज रतन कुमार के साथ नीरज झा, कटिहार। बिहार के साथ साथ कटिहार में बेलगाम हो चुके अपराधियों ने सरेआम 29 जुलाई को कटिहार के निवर्तमान मेयर शिवराज पासवान उर्फ शिवा पासवान की 3 गोली मारकर हत्या के बाद लोजपा के 2 दिग्गज नेता के साथ साथ कटिहार कांग्रेस का एक शिष्टमंडल भी मृतक शिवराज पासवान के परिजनों से मुलाकात किया। लोजपा के पारस गुट के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज के साथ साथ लोजपा के नेता चिराग पासवान और कांग्रेस पार्टी के कटिहार जिला अध्यक्ष प्रेम राय के साथ प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता कोढ़ा के पूर्व विधायक पूनम पासवान मृतक मेयर के शोकाकुल परिवारों से मिलकर दुख की घड़ी में ढारस बंधाया। साथ ही सांसद प्रिंस राज ने केंद्र और बिहार की सरकार से मेयर हत्याकांड की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की और जो भी फरार आरोपी हैं उन्हें पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की बात कही। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता कोढ़ा विधायक पूनम पासवान ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जिस तरह मेयर की हत्या में भाजपा नेता के परिवार का नाम आ रहा है, काफी निंदनीय है। भाजपा जदयू की सरकार में मेयर की हत्या हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग दहशत में हैं, जब मेयर की हत्या हो सकती है आम लोगों का क्या होगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल कराकर सीबीआई जांच करानी चाहिए, ताकि हत्या के पीछे कौन कौन लोग थे। कटिहार पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि उन मेयर से अपना रिश्ता खून का और खुद को मेयर का भाई बताते हुए कहा कि 10 दिन पूर्व में इनका नमक खा कर गया था, क्या पता था आज उनके यहाँ इस तरह आना पड़ेगा। चिराग पासवान ने इस घटना पर दुख जताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे और कहा कि मेयर जनप्रतिनिधि होता है। नीतीश कुमार आज तक किसी भी अनुसूचित परिवार की हत्या होने पर मिलने नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में कन्वेंशन रेट सबसे न्यूनतम स्तर पर है, जबकि अन्य राज्यों में कन्वेंशन रेट 89% है और बिहार में मात्र 7% सरकारी आंकड़े हैं। नीतीश कुमार दलित, महादलित और अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या कर समाज के लोगों को डरा देंगे, तो ये नीतीश कुमार जी की गलतफहमी है। मेयर हत्या के बाद क्या नीतीश कुमार के शासन प्रशासन के लोग प्रदेश के लोगों में डर का माहौल बनाना चाहते हैं? चिराग ने इतना तक कह डाला कि नीतीश कुमार मुझे तोड़ने के लिए मेरे परिवार का इस्तेमाल किया है और इस तरह अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। चिराग पासवान ने मांग की है कि इस कांड में संलिप्त अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी हो और सभी का स्पीडी ट्रायल कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वहीं पूछे गए सवाल पर कहा कि जातीयता के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, ताकि अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए जो राशियां आवंटित की जाती हैं, पता तो चले कि भैया वो वर्ग की आबादी कितनी है। आखिर बार कास्ट बेसिस पर ये जनगणना 1931 में हुई थी और 1931 के बाद से ऐसी कोई जनगणना हुई ही नहीं है, तो उसकी आबादी का भी पता नहीं है कि वर्ग की आबादी कितनी है। हम लोग भी मजबूती से जातीय जनगणना लागू करने की बात का समर्थन करते हैं। परिवार से मिले, क्या संवेदना है आपकी? ये बहुत दुखद घटना है। इस तरह की घटना होती है तो क्वेश्चन मार्क बन जाता है। पूर्व में भी 10 साल पहले भी इस तरह की घटना घटी थी, एक पासवान की हत्या कर दी गई थी। अब ये 10 साल बाद फिर से इस तरह की घटना घटी है। इतने सरल व्यक्ति, इतने सीधे, सभी समाज के लिए काम करते थे, सबकी मदद करते थे और हमारा तो पारिवारिक जैसे रिश्ता भी है। ऐसा भी घटना घटी है, इस पर निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। जो आरोपी फरार हैं वो शीघ्र पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। और हम बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इसको जल्द से जल्द इस पर जांच बैठाई जाए। और जो भी आरोपी जो FIR की इन्होंने, अभी कुछ लोग को गिरफ्तार किया गया लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं वो फरार हैं, तो उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। क्या लगता है, बिहार
में जाति विशेष लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, इस तरह का कुछ? देखिए आप, एक जैसे हमने कहा 10 साल पहले भी एक घटना घटी जिसमें एक पासवान की हत्या कर दी गई, भारत भूषण पासवान, और ये इतने उभरते नेता थे, मेयर थे यहाँ पे, सबके चहेते थे, पूरे समाज उनको प्यार करता था, उनकी भी हत्या इस तरीके से कर दी गई, और जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, उसको बिहार सरकार को इस पर सोचना चाहिए और उस पर सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई। बीजेपी विधायक का भतीजा का नाम आ रहा है, क्या कहेंगे मुख्य आरोपी के रूप में? आप जो भी इसमें आती हैं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर जाँच बैठना चाहिए, और जो भी दोषी हैं उसको सख्त से सख्त सजा मिले। एक सवाल चिराग पासवान जी भी आ रहे हैं आपके भाई, क्या लगता है दोनों भाई एक मन से इसके लिए इंसाफ की मांग करेंगे? देखिए इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखिए, हम आपसे आग्रह करेंगे, ये दुखद घटना है, हम लोग परिवार जन इस परिजनों से मिलने के लिए आए हैं, इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखिए, जितने लोग आएंगे, जितना हम लोग साथ देंगे, जितना इनकी हिम्मत बनने की कोशिश करेंगे, परिवार के लिए उतना अच्छा है, जिसके परिवार में इस तरह की घटना घटती है वही दुख जान सकता है, इस चीज़ को इसमें धन्यवाद। कटिहार में मेयर की हत्या, शिवराज पासवान जी की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है, और बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई स्थिति में है, और जिस तरह से उनकी हत्याएं हुई है, और जो मीडिया के माध्यम से हमने देखा है कि कुछ लोगों को अरेस्टिंग हुई है, लेकिन जो इस घटना के मास्टरमाइंड है, जो इस हत्या के पीछे जिनकी साजिश है, अभी तक वैसे व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया है। तो जिसमें कि नाम आया है कि हम जो सुनने में आया कि भाजपा के जो हम उनके परिवार से भी मिले, और भाजपा के नेता के जो परिवार के सदस्य हैं, और इसमें किस किस लोगों की संलिप्तता है, अभी तक ये क्लियर कानून के तरफ से अभी ये क्लियर नहीं हुई है, लेकिन ये क्लियर होनी चाहिए। साथ में हमने अपने परिवार के मजबूत सदस्य को हमने खोया है, और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि 10 साल से जो भी कटिहार के दलित नेता उभरते हैं उनकी हत्याएं हो जा रही है, और आज मेयर की हत्या होना खासकर आम लोगों को एक क्या स्थिति होगी आप लोग अच्छी तरह से सोच सकते हैं, और मुझे इस बात की पूरी आशंका और एक डर सा है कि दलितों की हत्या, नेताओं की हत्या बहुत ज़्यादा हो रही है, और हम सरकार से, आदरणीय नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि इस हत्या करने वाले को कानून से सख्त कानून की सज़ा मिले, और उस परिवार को जो पीड़ित परिवार हमारे हैं उनको इंसाफ मिले, क्योंकि कानून पर मुझे पूरी आस्था है, और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पर CBI की जांच हो, और ऐसे लोगों की कानून कार्रवाई सख्त से सख्त सजा दे, ताकि इस घटना को फिर पुनरावृत्ति न हो। क्यों नहीं उठाएंगे? पर से मामला उठाने से नहीं होगा जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाई, उनके मेयर, उनके प्रदेश के मेयर की हत्या हुई है, क्यों नहीं एक बार आके वो यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलते? आज तक जितनी हत्याएं हुई हैं बिहार में, किसी एक परिवार के पास आपने देखा, खासतौर पर अनुसूचित जाति के किसी एक परिवार के पास आपने देखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाए? आए ना यहाँ पर आके मिले भाई, उनके भाई है यहाँ पर, उनकी वाइफ है यहाँ पर, आकर मिले, पूछे उनसे कि क्या हुआ नहीं हुआ, पर वो अपने हवा महल से निकले तब तो उनके अधिकारी इन सारी चीजों में कौन नहीं जानता कि किसने किया। ईमानदारी की बात है भाई, आप सब लोग भी यहीं पे रहते हैं, आप लोग बताइए ना, कौन नहीं जानता कि किसने किया ये? इसके बाद इस तरीके की खामोशी रखना, उसके बाद इस तरीके का इसके ऊपर एकदम कान आंख बंद करके बैठना, दर्शा रहा है कि भैया आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, ये सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं भाई। यहाँ पे डिप्टी CM कहाँ, यहीं कहीं है ना, डिप्टी CM यहीं कहीं है ना भाई, वो चाहेंगे, सरकार आपकी है, शासन प्रशासन आपका है, वो चाहेंगे क्या 2 मिनट में कार्रवाई नहीं हो सकती? पर दर्शाता है कि आप इसके ऊपर आपका जो रवैया है वो इसको गोलमोल करने का। नहीं बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं जातीय जनगणना हो, हम लोग इसके पक्षधर हैं भाई, आप लोग योजनाएं बनाते हैं, यही मुख्यमंत्री हैं, दुनिया भर की योजना बनाते हैं, बोलते हैं कि हमने अनुसूचित जाति के लिए इतनी राशि आवंटित की, पिछड़ा वर्ग के लिए इतनी राशि आवंटित की, पता तो चले कि भैया वो वर्ग की आबादी कितनी है,
आखिरी बार जो ये कास्ट बेसिस पे जो ये जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी। 1931 के बाद से ऐसी कोई जनगणना हुई नहीं है। तो जिसके लिए आप राशि आवंटित कर रहे हैं, जिसको आप इन योजनाओं का लाभ देना चाह रहे हैं, उसकी आबादी भी तो पता होनी चाहिए कि भाई कितनी आबादी है, नहीं है। तो हम लोग भी मजबूती से इस बात का हम लोग समर्थन करते हैं कि जातीयता के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। सर,